अगर आप भी मेरी तरह मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा के बहुत ही बड़े फैन हैं तो वीडियो को कर दो दिल से लाइक और चैनल को कर दो अभी के अभी सब्सक्राइब। आपकी फेवरेट प्लेयर और फेवरेट टीम का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आईपीएल के 13वें सीजन का 32वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अबू धाबी के मैदान में खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत तो तब होती है जब कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर की शुरुआत अच्छी नहीं रही। ओपनर राहुल त्रिपाठी कुछ खास नहीं कर सके। राहुल 7 रन पर ट्रेंट बोल्ट के शिकार बने। सूर्य कुमार यादव ने उनका शानदार कैच पकड़ा। इसके बाद नीतीश राणा जो 5 रन पर नाथन कुल्टर लाइट के बॉल पर आउट हो गए। केकेआर ने पावर प्ले में 2 विकेट पर 33 रन बनाए। केकेआर की कप्तानी छोड़ने वाले दिनेश कार्तिक का बल्ला इस मैच में नहीं चल सका। कार्तिक ने 8 बॉल पर 4 रन की पारी खेली। उन्हें राहुल चहर ने आउट किया। इससे पहले वाली बॉल पर ही चहर ने शुभनम गिल को 21 रन पर पवेलियम का रास्ता दिखा दिया। इस तरह इस मुकाबले में शुभनम गिल और दिनेश कार्तिक दोनों ही कुछ खास कमाल नहीं कर पाते हैं। सीजन में मुंबई इंडियंस के बॉलर का शानदार प्रदर्शन रहा है। टीम के बॉलर्स ने पावर प्ले में 23.33 की औसत से 12 विकेट चटकाए हैं। वहीं सनराइजर हैदराबाद की 28.08 की औसत से 12 विकेट लेने पर दूसरे नंबर पे है। कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से पैट कमिंस ने 35 गेंदों में अर्धशतक जड़ा। ये उनके कैरियर का पहला अर्धशतक रहा। केकेआर की ओर से पैट कमिंस 53 रन बनाकर और कप्तान योन मॉर्गन 39 रन बनाकर नाबाद रहे। तारीफ करनी होगी इन दोनों बल्लेबाजों की। जहां पैट कमिंस ऑलराउंडर के लिए जाने जाते हैं, आज उन्होंने ये दिखा दिया कि वो मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर क्यों रहे आईपीएल 2020 के लिए। न केवल गेंद के साथ बल्कि बल्ले के साथ भी उनका शानदार प्रदर्शन रहा। 53 रन बनाकर नाबाद पवेलियम गए। कप्तान योन मॉर्गन 39 रन बनाकर नाबाद गए। नेथन कुल्टर नाइल ने आखिरी ओवर में 21 रन लुटाए और इस तरह कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई के सामने 149 रन का टारगेट खड़ा कर दिया। मैच से पहले आज दोपहर में ही दिनेश कार्तिक ने कोलकाता नाइट राइडर की कप्तानी योन मॉर्गन को सौंप दी थी। कार्तिक ने कहा कि अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करने के लिए उन्होंने ये फैसला किया है। कार्तिक को 2018 में केकेआर का कप्तान बनाया गया था। उनकी कप्तानी में केकेआर ने 37 मैच खेले हैं, जिसमें उसने 19 जीते हैं और 17 में उसे हार का सामना करना पड़ा। एक मैच टाई रहा। केकेआर 2018 में तीसरे और 2019 में 5वें स्थान पर रही थी। योन मॉर्गन आईपीएल में कप्तानी करने वाले दूसरे इंग्लिश प्लेयर बन गए हैं। इससे पहले केविन पीटरसन ने लीग में 17 मैचों की कप्तानी संभाली थी, जिनमें उन्होंने सिर्फ 3 ही मैच जीते थे और 14 में उसे हार का सामना करना पड़ा था। पीटरसन ने 2009 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए 6 मैच में और 2014 में दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए 11 मैच में कप्तानी की थी। ट्रेंट बोल्ट ने आईपीएल में अपने 50 विकेट पूरे किए। बोल्ट ने 41 मैचों में एक कीर्तिमान अपने नाम किया। लीग में उनकी इकोनॉमी 8.59 की रही है। 19 रन देकर 3 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड मुंबई इंडियंस के मलिंगा के नाम है। उन्होंने 122 मैचों में 170 विकेट लिए हैं। इस मुकाबले में केकेआर ने 2 बदलाव किए हैं। कमलेश नागरकोटी की जगह शिवम मावी और टॉम बेंटन की जगह क्रिस ग्रीन को टीम में शामिल किया गया। वह मुंबई इंडियंस ने जेम्स पैटिसन की जगह नाथन कुल्टर नाइल को प्लेइंग 11 में जगह दी गई। अब बात करते हैं दोनों टीमों के सबसे महंगे खिलाड़ियों के बारे में, तो नाम आता है मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा सबसे महंगे खिलाड़ी है। टीम उन्हें एक सीजन का 15 करोड़ रुपए देती है। उनके बाद टीम में हार्दिक पांड्या का नंबर आता है, उन्हें सीजन में 11 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं कोलकाता के सबसे महंगे खिलाड़ी पैट कमिंस हैं, उन्हें सीजन में 15.50 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके बाद आंद्रे रसल का नंबर आता है, उन्हें सीजन में 8.50 करोड़ रुपए मिलेंगे। और वैसे दोस्तों पैट कमिंस ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो न केवल बॉल के साथ बल्कि बल्ले के साथ भी केकेआर के लिए काफ़ी अच्छे से मदद कर सकते हैं। वैसे बात की जाए इन दोनों के रिकॉर्ड के बारे में, तो आईपीएल इतिहास में मुंबई ने सबसे ज़्यादा बार यानी 4 बार 2019, 17, 15 और 13 का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल में चेन्नई को 1 रन से हराया था। मुंबई ने अब तक 5 बार फाइनल खेला है। वहीं कोलकाता ने अब तक 2 बार फाइनल 2014 में और 2012 में खेला है और दोनों बार वो चैंपियन रही है। आईपीएल में मुंबई का सक्सेस रेट 58.50% है। उसने अब तक कुल 194 मैच खेले हैं, जिसमें उसने 114 मैच जीते हैं और 80 में उसे हार का सामना करना पड़ा। वहीं कोलकाता का सक्सेस रेट 52.70% है। उसने लीग में 185 मैच खेले हैं, जिसमें 96 जीते हैं तो 89 में उसे हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों दिनेश कार्तिक की कप्तानी को लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे थे और उसके बाद दिनेश कार्तिक ने कप्तानी छोड़ने का निर्णय किया और इसकी जगह योन मॉर्गन अब कप्तानी करने वाले हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
और बिना दिनेश कार्तिक की कप्तानी टीम ने बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन उनका ये फैसला खराब ही रहा। शुरुआत के 2 विकेट गिर गए पावर प्ले के अंदर, उसके बाद दिनेश कार्तिक और शुभनम गिल के विकेट गिर जाने के बाद टीम काफ़ी दबाव में आ गई थी। ऐसे में पैट कमिंस और इयान मॉर्गन ने टीम को संभाला और इन दोनों की अर्धशतक की पारी के दम पर ही तो टीम ने एक अच्छा खासा स्कोर बोर्ड पर स्कोर दिया है। 149 रन का टारगेट बड़ा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, सम्मानजनक स्कोर है। अगर बल्लेबाजी अच्छी हुई तो मुंबई इंडियंस के लिए थोड़ी सी मुसीबत हो सकती है, लेकिन इसकी टीम में भी बहुत ज़्यादा गहराई है। कोलकाता नाइट राइडर के कप्तान दिनेश कार्तिक ने सीजन के 7 मैचों के बाद टीम की कप्तानी छोड़ दी है। इन 7 मैचों में KKR ने 4 मुकाबले जीते हैं तो उसे 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। अभी तक की बात करें तो ये टीम अंक तालिका में 4th नंबर पर है। हालांकि इस प्रदर्शन को खराब प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता, बावजूद इसके भी दिनेश कार्तिक ने कप्तानी छोड़ दी है। सवाल आपके मन में ये होगा, आखिर किस लिए छोड़ी है और कोलकाता नाइट राइडर के पूर्व कप्तान गौतम गंभीर ने इसके बारे में क्या रिएक्शंस दिया है, इस वीडियो में आप जानेंगे। तो अगर आप भी मेरी तरह गौतम गंभीर, दिनेश कार्तिक, इन दोनों के बहुत ही बड़े फैन हैं तो वीडियो को करो दिल से लाइक और चैनल को करो अभी के अभी सब्सक्राइब। आपकी फेवरेट टीम और फेवरेट प्लेयर का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, क्या आप सोचते हैं कि दिनेश कार्तिक ने कप्तानी छोड़कर सही काम किया या गलत? क्या ये फैसला KKR के लिए सही रहेगा या गलत? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये बात तो आप जान चुके हैं कि दिनेश कार्तिक कप्तानी छोड़ चुके हैं, ऐसे में सवाल ये है कि उनकी जगह कप्तानी करेगा कौन? 2019 में इंग्लैंड को अपनी कप्तानी में विश्व कप दिलाने वाले मौजूदा उपकप्तान मॉर्गन अब कप्तानी करने को तैयार है। मतलब इयान मॉर्गन आपको अब दिनेश कार्तिक की जगह कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। मॉर्गन की कप्तानी में इंग्लैंड ने 2019 में वर्ल्ड कप जीता है। उन्हें नाइट राइडर ने 5.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। IPL के सीजन में मॉर्गन ने अभी तक 7 मैचों में 35 के औसत से 175 रन बनाए हैं, जबकि कार्तिक ने 7 मैचों में 15.42 के औसत से 108 रन बनाए हैं। कार्तिक 2018 से टीम के कप्तान हैं। उन्हें 2018 में टीम ने 7.4 करोड़ रुपए में खरीदा था। तो हालांकि कोलकाता नाइट राइडर का IPL 2020 में शानदार परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी दिनेश कार्तिक की कप्तानी और खास तौर पर उनकी बल्लेबाजी को लेकर काफी सवाल खड़े हुए हैं। कार्तिक पिछले 7 मैचों में सिर्फ एक ही अर्धशतकीय पारी खेलने में कामयाब रहे थे। दिनेश कार्तिक ने शायद ये फैसला अपने प्रदर्शन पर ध्यान देने के लिए किया है और अब KKR के लिए कप्तान की भूमिका इयान मॉर्गन निभाएंगे। इंग्लैंड को 2019 वनडे वर्ल्ड कप दिला चुके हैं। हालांकि KKR के दृष्टिकोण से ये सही भी होगा, क्योंकि आने वाले 7 मैच इस टीम के लिए बहुत ही अहम होने वाले हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए टीम को आगे के मैचों में अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा। दिनेश कार्तिक के कप्तानी छोड़ने के बाद KKR के पूर्व कप्तान गौतम गंभीर ने एक ट्वीट किया जो खूब वायरल हो रहा है। गंभीर ने ट्वीट करते हुए लिखा, विरासत बनाने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन इसे खत्म होने में 1 मिनट भी नहीं लगता। हालांकि गंभीर ने ऐसा क्यों लिखा और किस पर निशाना साधा है, अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है। KKR की बात करें तो ये टीम गौतम गंभीर की कप्तानी में 2 बार IPL खिताब जीत चुकी है। साल 2018 में दिनेश कार्तिक को गौतम गंभीर की जगह गंभीर की टीम छोड़ने के बाद ही कप्तानी सौंपी गई थी। इसके बाद टीम का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा नहीं रहा। वहीं इस बार भी टीम को 4 जीत बेशक मिली है, लेकिन टीम के कई स्टार खिलाड़ी खासतौर पर आंद्रे रसल्स के प्रदर्शन ने निराश किया है। अब KKR का आज का मुकाबला मुंबई इंडियंस के साथ हो रहा है। तो दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा ये मुकाबला और इयान मॉर्गन की कप्तानी में किस तरह से KKR प्रदर्शन करती है, ये भी बहुत ही खास तौर पर रहने वाला है। इस टॉपिक के बारे में आपकी जो कुछ भी राय है नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।